गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आप डिस्कवर फॉरेस्ट पे मेरे चैनल बने रहिए। मैं हूं अरविंद कुमार, मेरे साथ है कैमरामैन। तो आज चलते हैं उस पीछे पहाड़ के जो वहां पे झरना है और काफ़ी सुंदर प्लेस है, फॉरेस्ट में देखते हैं और जंगल से क्रॉस करते हुए जाना है। तो साथ में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप न कीजिए। अगर नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर बेल आइकन का जो घंटी का है आइकन का, उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भाग रहा है और धूप भी काफ़ी हो रहा है और मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो हमें जल्दी जल्दी इस पहाड़ को क्रॉस करना है, फिर आगे चलना है, फिर देखना है किस तरह से है वहाँ पे झरना और क्या क्या है फॉरेस्ट में इसमें। और ये भी देखना है कुछ खाने के लिए कुछ मिल जाए इस जंगल में, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए बढ़ने रहिए, साथ में चलते हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं यहाँ से। आप इधर देख सकते हैं, ये घोंसला देखिए कितना अच्छा सुंदर है चिड़ियों का। नज़दीक से देखिए इसको, इसमें सारी चिड़िया रहते हैं इसी फॉरेस्ट में और इनको चुमुक चेहरा के नाम से जाना जाता है, इधर के लोग बताते हैं, गांव में कहते हैं। और ये काफ़ी अपने सेफ्टी के लिए बनाते हैं, जो कि बारिश का पानी इनके अंदर नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं इनका घोंसला कितना अच्छा बना हुआ है। तो ऐसे फॉरेस्ट में चारों तरफ यही चिड़ियाँ हैं चारों तरफ, और काफ़ी घना जंगल भी है और इसमें सारे जानवर भी छुपे रहते हैं जंगली, ज़्यादातर तेंदुआ और भालू ज़्यादातर से इधर रहते हैं। तो हमें इसी जंगल से निकलना है, पूरी तरफ झाड़ी है जो दिखाई नहीं दे रहा है और पैरों को बिल्कुल सावधानी चलना है आगे। तो आइए आगे चलते हैं और मुझे जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट को क्रॉस करना है। मौसम ख़राब हो रहा है और लग रहा है जैसे बारिश भी हो जाए, और काफ़ी गर्मी है, पसीने भी निकल रहे हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, बीच बीच में पानी भी पीना है और पानी भी देखना है, कहीं पानी झरना मिल जाए तो ठीक है, पानी का स्रोत मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से जल्दी और फॉरेस्ट को क्रॉस करते हैं। बहुत कटीली झाड़ी है और देखिए पहाड़ के नज़दीक आ गए हैं, इसके ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं कि रास्ता झरने की तरफ पानी के लिए किसे जाना है। तो आइए चलते हैं जल्दी से जल्दी। अब जंगल काफ़ी घना होता जा रहा है, देखिए चारों तरफ झाड़ी हो रहे हैं और मुझे बहुत बिल्कुल सावधानी से मुझे आगे निकलना है, मैं भी कभी भी खतरा हो सकता है और जंगली जानवर का हम शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में आप जब भी कहीं फॉरेस्ट में रहें बिल्कुल सावधानी और केयरफुल रहें। तो आइए आगे निकलते हैं। बहुत घना जंगल है, ऐसे में जंगली सुअर ज़्यादातर तरह रहते हैं छुपे, तो मुझे थोड़ा सा आवाज़ करते हुए चलना है, नहीं तो हम कभी भी वो खतरा हो सकता है उनसे। तो ऐसे में चुपचाप बिल्कुल जंगल में ना जाएं, जब कभी आप अकेले रहें तो कुछ आवाज़ या शोर करते हुए या पत्थर हो तो पत्थर बीच में फेंकते रहिए झाड़ में, तभी आप क्रॉस करिए। देखिए मेरे पैर के नीचे एक बिच्छू आने वाली थी जो काफ़ी खतरनाक है, ऐसे जंगल में चारों तरफ ऐसे रहते हैं तो आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। देख रहे हैं इसके पूछ में ये टॉक्सिक होता है जो काफ़ी खतरनाक होता है, आपको अगर डंक लग जाए काट ले तो आपका उल्टी दस्त होने लगेगा और ट्रीटमेंट ना मिले सही टाइम पर तो आपका डेथ भी हो सकता है। तो ऐसे में फॉरेस्ट में आप जब भी चलें सावधानी चलें। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फुर्तीला है,
देख रहे हैं काट डंक मार रहा है, देख रहे हैं यही है इसका जो पीछे डंक, जब को आपको काट सकता है और डंक मार सकता है और काफ़ी खतरा हो जाता है इससे। तो आप बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ें, तो इसको हम किनारे कर देते हैं ताकि कोई इसके ऊपर पैर न रखे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे निकलते हैं इसी तरफ से। पसीना भी काफ़ी हो रहा है और बीच बीच में जो पानी भी चाहिए, डिहाइड्रेशन से मेरा गला भी सूख रहा है। अगर पानी नहीं मिलेगा बीच में तो चक्कर आने लगेगा, उल्टी भी होने लगेगा, तो बीच में पानी बहुत ज़रूरी है ताकि ग्लूकोज की मात्रा जो कमी हो रही है बॉडी में वो तो मेंटेन रह सके। काफ़ी चढ़ाई है और हम सोच रहे थे कि ऊपर आ जाएंगे तो दिखाई देगा चारों तरफ, लेकिन इस पर्वत में भी चारों तरफ झाड़ी है। देख रहे ये नीचे तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिख रहा रास्ता किस तरह से जाना है। ऐसे ही निकलते हैं। बिल्कुल चढ़ाई है और मेरा गला भी सूख रहा है, पानी भी नहीं दिख रहा है। ये तो ऊंचा है पर्वत है, इस पर पानी बिल्कुल मिलना मुश्किल है। लग रहा है कि कहीं रास्ता मेरा डायरेक्शन गलत तो नहीं हो गया है। देखिए काफ़ी नीचे से आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि काफ़ी इधर चलना पड़ेगा और जाना है मुझे उत्तर के साइड में, तो उत्तर में चलना है। हो सकता है उधर पानी है और काफ़ी ऊँचे आ गए हैं तो हमें उत्तर ही चलते हैं और पानी मिल जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए और रास्ता भी दिख जाए। तो आइए चलते हैं उधर ही। ऐसे पर्वत पर रुकना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। तो हम जल्दी जल्दी सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से बाहर निकल जाएं। पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, हो सकता है नीचे पानी मिले और कुछ रास्ता दिख जाए, डायरेक्शन मिल जाए या झरना वरना कुछ भी दिख जाए। तो झरना की तलाश है मुझे पानी पीने के लिए, तो नीचे चलते हैं। काफ़ी पत्थर है, ऐसे में आपको पैर बहुत सावधानी से रखना है और चारों तरफ देखते हुए चलना है, नहीं तो आप फिसल सकते हैं, मोच भी आ सकता है पैर में, फ्रैक्चर भी हो सकता है। बहुत सावधानी से कहिए ऐसे फॉरेस्ट में निकलने के लिए। ये देख सकते हैं आप, बहुत पुराना गुफा है ये,
और इसमें जंगली शाही रहते हैं जो शिकार करते हैं ऐसे में फॉरेस्ट में जाल लगा के, और लग रहा है मुझे इसमें शिकार किया गया है या हो सकता है जानवर हो इसमें अंदर, तो दिखाई तो नहीं दे रहा है ऐसे में, और कुछ अंधेरा है चाहे हो सकता है इसमें जंगली जानवर भी रहते हैं जो खतरनाक रहते हैं, भेड़िया और तेंदुए रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे रुकना भी बेकार है और खतरा से भरा है। जब जानकारी ना हो ऐसे फॉरेस्ट में कौन से जानवर छिपे हैं तो वहाँ पे आप रुकिए नहीं, वहाँ से जल्दी जल्दी आप क्रॉस कर लीजिए। तो हम यहाँ से निकलते हैं, रुकना सही नहीं है यहाँ पे। और इधर नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं काफ़ी ढलान, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ घास है और झाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो आइए इसी तरह से हम निकलते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ी जंगल में मिल गई है और बहुत छोटा सा बच्चा है, देख रहे हैं बिल्कुल लग रहा है ये कुछ खाया हुआ नहीं है कुछ और भूखा है, देख रही है। ऐसे फॉरेस्ट में बहुत से जा रहे जंगली जानवर रहते हैं और कभी मिल सकते हैं, और आपको नज़दीक से दिखाते हैं थोड़ा। ऐसे ये ज़्यादातर से मांसाहारी होते हैं जंगली, और जंगल में मांस खाते हैं। मुझे लगता है ये अभी छोटा सा बच्चा है और ऐसा भटक रहा है ये, और कुछ दिन से खाया हुआ नहीं है, मुझे लग रहा है इसको कुछ भोजन नहीं मिला है इसलिए इसका इस तरह से हाल है। तो आपको ऐसे जानवरों से भी बच के रहना है, जंगल में ये बड़े हो जाते हैं तो बहुत शिकार करते हैं और मांसाहारी होते हैं, कभी भी किसी बच्चे आज छोटे जानवर को भी खा लेते हैं, चपेट में ले लेते हैं, देख रहे हैं बिल्कुल। चलो घुस जाओ झाड़ी में, जाओ जाओ भाई यहाँ पे नहीं रहना है, चलो चलो चलो, देख रहे हैं। तो इसको छोड़ते हैं और निकलते हैं, ये चला जाएगा, इसको ज़्यादा छड़खानी नहीं करना है, अच्छा नहीं है, तो ये निकलते हैं। इस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा कटीले झाड़ियाँ हैं, आपको कटीली झाड़ियों से बचना है, पैर नहीं रखना उस पर, नहीं तो आप को चोट लग सकता है और घायल हो सकते हैं। चारों तरफ रास्ता भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो बिल्कुल लग रहा है मैं फंस गया हूँ बुरी तरह से इस फॉरेस्ट में, काफ़ी टाइम हो गया मुझे रास्ता नहीं मिला कोई भी, और ना पानी मिल रहा है यहाँ पे, सारे पसीने से सब पानी निकल जा रहा है और रास्ता भी नहीं मिल रहा है, और मेरा हालत भी दिन पर दिन खराब होता जा रहा है क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं मिला। देख रहे हैं चारों तरफ झाड़ी है, कोई रास्ता नहीं है, काफ़ी आ गए हैं नीचे पर्वत के फिर भी रास्ता नहीं मिला। ऐसे में जंगली सांप बहुत ज़्यादातर तरह के हैं जो ग्रीन कलर रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सावधानी चाहिए इससे फॉरेस्ट में, नहीं आप उनके शिकार हो सकते हैं। बहुत घना फॉरेस्ट है, आप देख रहे हैं मैं खड़ा होकर चल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ कटीली झाड़ी हैं, ऐसे मुझे झुक के ही चलना पड़ रहा है, तो झुक के ही जाना उचित है नहीं तो हम फंस सकते हैं, इसे झुके हुए चलते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर आ गए हैं पर्वत से, तो अब निकलते हैं इस तरह से जल्दी और रास्ता भी किसी तरह से पकड़ सकते हैं। बहुत तलाश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, और ये देख रहे हैं मेवड़ी का पेड़, इसमें मकोए लगे हैं छोटे छोटे, तो इसको खाया जाता है, बहुत लोग इसको विषय नहीं जानते हैं, देख रहे हैं ये आप देखिए छोटे छोटे मकोई टाइप हैं ये, इसमें ग्लूकोज की मात्रा होता है और इसमें आपको शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत मीठा होता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में होता है, तो इसको मैं कुछ खा लेता हूँ, हो सकता है कुछ मेरे लिए काम में आ जाए, कुछ कार्बोहाइड्रेट मिले, कुछ एनर्जी मिले, बहुत मीठा है ये, कुछ तो ताकत मिलेगा खाने से। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए पर्वत से बाहर आ गए हैं, पहाड़ के नीचे आ गए हैं, अब रास्ता इधर पकड़ चलते हैं
और देखते हैं झरना है कहीं पानी मिल जाए, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए पानी का बहाव वाला झरना मिल गया है और हमें इसी क्रॉस करना है, और ये बेहद खतरनाक है। यहाँ पे हर साल पानी में गिरने से लोगों की चोट लग जाता है और बहुत लोग अरे लोग डेथ भी हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको फॉरेस्ट में नदी क्रॉस करते समय बहुत सावधानी बरतना चाहिए। तो देख रहे झरना नीचे भी पानी का बहाव बहुत तेज़ी से है, तो हम आपको क्रॉस करके दिखाते हैं कि एक अच्छा टेक्निक आना चाहिए आपको जब भी सर्वाइव करें फॉरेस्ट में, एक अच्छा टेक्निक आना चाहिए। आइए चलते हैं और इसको क्रॉस करते हैं। देख रहे हैं पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा रिस्क है, तो हम सोच रहे हैं और ऊपर चले, हो सकता है कहीं अच्छा स्थान मिल जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है और देखिए बहुत ज़्यादा झरना है आगे और बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आप देख सकते हैं कितना गहरा नीचे है, नीचे देख रहे हैं और झरना है। मुझे झरने क्रॉस करना है और आगे चलना है, इधर कोई रास्ता तो है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि आगे चलें। और ये बहुत खतरनाक है खाई और ये बहुत गहरा है, कम से कम 400 और 500 फीट नीचे है ये, कूदना उतरना रिस्क लेना बहुत रिस्की है। तो आगे चलते हैं, इधर से उतरने लायक नहीं है। आइए आगे चलें क्योंकि बहुत रिस्क है, यहाँ पे 500 फीट नीचे जाना खतरा उससे खाली नहीं है। देख रहे हैं झरना, मुझको इसी को क्रॉस करके ऊपर जाना है, रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है। हम झरने की क्रॉस करेंगे और तैर के तब बाहर चलेंगे। तो आइए निकलते हैं हम। बहुत ज़्यादा पानी है बहाव, देखते हैं झरना का बहुत तेजी है, उसे खींचे जा रहा है, लग रहा है बढ़ जाएंगे और मौसम भी खराब हो रहा है, तो बरसात का पानी तेज हो जाए और बढ़ जाए, तो मुझे यहाँ जल्दी जल्दी निकलना है। ऐसे कंडीशन में आपको नदी नहीं रुकना है, नहीं तो खतरा जब मैं पानी ही पी लिया हूँ गले में आ गया है, तो निकलते हैं अब। बहुत ज़्यादा है,
मुझे कहीं दिख नहीं रहा रास्ता झरना से। अब देख सकते हैं पानी, आइए नज़दीक से दिखाते हैं। इसी के उस पार जाना है, हो सकता है मुझे रास्ता मिले। आइए देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा काफ़ी उतरने नज़दीक से दिखा काफ़ी। देखिए मुझको ये क्रॉस करना है, उस तरफ जाना है, उसके पास ही गांव मिलेगा या कोई हेल्प मिलेगा, मदद मिल सकता है। तो काफ़ी दूर तक ये जंगल में कहीं देख रहे हैं, काफ़ी खाई है नीचे, 50-100 फीट नीचे गहरा है, इधर से रास्ता नहीं है। तो मुझे आगे चलना है, आगे से फिर उतरने के लिए हो सकता है रास्ता मिल जाए। और उधर मुझे लगता है उधर पीछे गाँव है, आइए इधर से निकलते हैं। तब इधर से निकल तो गाइस रास्ता मिल गया है, देख रहे हैं उधर वो गांव है उधर उधर, तो चलते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर नए चैनल पे है सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का जो घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं।